हम बिहारी लोग लगे हुए हैं कि गली गली में बिहार का सम्मान बढ़ाएंगे, और तुम पूरे देश में लगे हुए हो कि बिहार को अपमानित करेंगे जी। तो जब हमारे धरती पे आओगे तो हम तो बताएंगे जी। उसी का प्रतिफल मिल रहा है कन्हैया कुमार। नेशनल हाईवे इतना टूटा हुआ था जिस पे बयान दिए थे लालू यादव कि हम बिहार की सड़क हेमा मालिनी के गाल की तरह से बनाएंगे, इसी पे किए थे। इसलिए सड़क नहीं बनवाते थे कि अपराधी के पीछे पुलिस नहीं आएगी। सोचिए कितनी गंदी सोच थी। और क्या करते थे, बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, उसी के ऊपर जैकेट पहन लेते थे और चुतिया बनाते थे। देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। उस समय प्रशांत जी छोटे थे और पढ़ रहे थे, कहीं इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। उनके बाप भी उसी के डर से भाग के आए हुए हैं। आज तो चिल्लाएंगे प्रशांत किशोर, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि जो बाप बिहार से उठ के बाहर आने का क्या कारण रहा है, वो आप उनके बाप से पूछिए, तब पता चलेगा। वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजब का दहशत था पूरे देश में। कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं है भ्रष्टाचार में। सिंगल बिहार का एक नेता है जो आज के डेट में जेल में पड़ा हुआ है। हमारे लिए, बिहार के लिए शर्म की बात है, काला धब्बा है। हम बिहारी लोग लगे हुए हैं कि गली गली में बिहार का सम्मान बढ़ाएंगे, और तुम पूरे देश में लगे हुए हो कि बिहार को अपमानित करेंगे जी। तो जब हमारे धरती पे आओगे तो हम तो बताएंगे जी। उसी का प्रतिफल मिल रहा है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार जी जाके वहाँ सोच रहे हैं कि हम लड़ाएंगे 1585। अरे भैया नीतीश कुमार कौन है, उसी 85 में से आते हैं। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मोदी जी हैं, जो विपक्ष सुशील कुमार मोदी हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं जी, जी, जी। तो जब उसी 85% से नेता खड़ा करके रखे हैं, तुम यहाँ 1585, तुम्हारा भूल समझ नहीं रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। कन्हैया कुमार जी जानते नहीं हैं बिहार, जितना वो समझ रहे हैं उससे आगे है बिहार। बिहारी बता रहा है कि हम कन्हैया कुमार नहीं हैं, हम नीतीश कुमार हैं, हम विकास पसंद करते हैं। लालू यादव भी नहीं है, इसलिए कि जब लालू यादव स्कूटर पर भैंस लाद के ले गए चारा घोटाले में, सोचिए स्कूटर पर भैंस लाद दिए थे, तो जवाब दिया ना। ये तेजस्वी वगैरह का, अब ये उनके दोनों लड़के हैं, बहुत घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। भैया बहुत दर्द हुआ था जब ये घोटाले पूरे जिले में कहीं चले जाइए, साहबुद्दीन हर जिले में एक क्रिमिनल, टॉप मोस्ट क्रिमिनल। अरे उस समय डॉक्टरों का अपहरण होता था, डॉक्टरों का अपहरण करके लालू यादव के घर में छुपाया जाता था और लिया जाता था। आपको बता दूं कि आप अगर बिहार के हैं, उस समय लालू राज में अगर आपने मोटरसाइकिल खरीद लिया तो दूसरे दिन आपके माने छप्पर का घर है, थोड़ा कहीं पैसा मिल गया अगर मोटरसाइकिल खरीद के लेके चले आए तो दूसरे दिन आपके छप्पर वाले घर पे 20,000 रुपये का लेवी लग जाता, 20,000 रुपये का लेवी लग गया, आप दीजिए। अच्छा, हुआ यही। हमको यह पीड़ा होती है कि बिहार से जो पलायन हुआ मिडिल क्लास का, इतना उसके ऊपर आतंक। वो मेहनती आदमी, हर बिहारी मेहनत करने वाला, वो इतना मेहनत करता था, जब सोचता था कि अब हम विकास करेंगे, लालू यादव जी आए और ऐसा अपराधीकरण किए। न बिजली का पोल वहाँ, मजाक होता था पूरे देश में, हम लोग मजाक बने बिहारी। पोल है तार नहीं है, कहीं बिजली नहीं, खंभा उसी तरह से लटक रहा है। नेशनल हाईवे इतना टूटा हुआ था जिस पे बयान दिए थे लालू यादव कि हम बिहार की सड़क हेमा मालिनी के गाल की तरह से बनाएंगे, इसी पे किए थे। इसलिए सड़क नहीं बनवाते थे कि अपराधी के पीछे पुलिस नहीं आएगी। सोचिए कितनी गंदी सोच थी। और क्या करते थे, बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, उसी के ऊपर जैकेट पहन लेते थे और चुतिया बनाते थे। देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। हाँ, अब वहाँ जो मिडिल क्लास, जब मेहनत करके कमाने खाने वाला आदमी था जी। वो करे क्या, उसको तो सुरक्षा चाहिए। सही बात है। और बच्चा मोटरसाइकिल खरीद के लिए आया, कल ले भी लग गया, तो उससे सोचा हम तो मेहनती आदमी, हमको बाहर निकालने में ही भलाई थी। तो बिहार का जो मिडिल क्लास था वो बिहार छोड़ दिया। अब बचा कौन, लोअर क्लास और अपर क्लास। अब वो कहाँ जाए, तो उसी में आपस में लड़ा के लालू जी 15 साल किए। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं बिहार के बारे में, लेकिन प्रशांत किशोर जी का आज कहना है कि 2005 में जो स्थिति थी बिहार की, कमोवेश स्थिति आज भी वही बनी हुई है। जब बिहार तड़प रहा था, है ना, जब लेवी लग रही थी, है ना, जब बच्चे उठाए जा रहे थे, है ना, प्रशासन नाम का अमला नहीं था,
हर अपराधी मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था। उस समय प्रशांत जी छोटे थे और पढ़ रहे थे, कहीं इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। उनके बाप भी उसी के डर से भाग के आए हुए हैं। आज तो चिल्लाएंगे प्रशांत किशोर, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि जो बाप बिहार से उठ के बाहर आने का क्या कारण रहा है, वो आप उनके बाप से पूछिए तब पता चलेगा। वो आज जाके बिहार में बोल रहे हैं, उनका बाप भी जानता है कि हाँ लालू ने क्या किया और कैसा कर्म किया जिसकी वजह से हम लोगों को बिहारियों को भाग के बाहर आना पड़ा और अब रोजी रोटी के लिए। ये प्रशांत किशोर और लालू के यादव नहीं और कन्हैया कुमार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो बसी है वो बसी हुई है। आज भी वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजब का दहशत था और उसका जवाब हमेशा वोट के माध्यम से बिहार की जनता देती है और देती रहेगी। ऊब गए लोग, यही तेजस्वी यादव के बाप ने कम घोटाला कम भ्रष्टाचार। आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी कन्हैया कुमार, जो मेरा पहला सवाल था कन्हैया कुमार को अंडे और टमाटर फेंकवाया जा रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी जी अपने राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए कन्हैया पे टमाटर उनके खुद के पार्टी द्वारा वर्कर द्वारा फेंकवाया जा रहा है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक वहाँ उनके हाथ से ना छिटक जाए, मुस्लिम का जो वोट बैंक है। इस पर आप क्या कहना? कारण है ना, दोनों लोग एक नाव पर चढ़े हुए हैं, 85-15 वो भी बोलते हैं, 85-15 यह भी बोलेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें बंटवारा होगा। और उसी वोट पे हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन बस्ता मुख्यमंत्री है, इसलिए कि वो समझ रहा है नहर का पानी पहले नहीं आता था, आधे रास्ते में ही सूख जाता था। तेजस्वी का हाथ है इसमें? है, बिल्कुल करेंगे, वो किसी को घुसने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर को भी वो उत्पीड़ित करेंगे, घबराइए नहीं, जो वहाँ जाएगा, इसलिए कि यही वहाँ की यही राजनीति है, लोग समझ रहे हैं। डेवलप इनके पास जवाब तो कोई है नहीं जी। आपके बाप ने जो किया, हाँ। एक बात बताइए, पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं है भ्रष्टाचार में, सिंगल बिहार का एक नेता है जो आज के डेट में जेल में पड़ा हुआ है। हमारे लिए बिहार के लिए शर्म की बात है, काला धब्बा है। जिस जेल का उद्घाटन उन्होंने खुद किया था उसी जेल में है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। तो जवाब कन्हैया कुमार को भी मिलेगा, जवाब प्रशांत किशोर को भी मिलेगा और जवाब अश्विनी लालू के दोनों बेटों को भी मिलेगा। कारण वही कह रहा था कि मिडिल क्लास निकल आए, तो उसी 85 में से एक नेता निकलते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी का साथ। हाँ, सुशील नहीं, उस बीच नीतीश कुमार जी लालू के ही साथ थे, वो बीजेपी को साथ लिए और विकास का एक मॉडल बनाए और उन्होंने संकल्प लिया कि सबसे पहले यहाँ से ये अपराध को खत्म करूँगा। भाई साहब, मैं बिहार यूपी का बॉर्डर का हूँ, हम लोग बिहार से यूपी में चले आए भाग के डर के मारे। ममहर है, मामा के वहाँ जब जाते थे तो 4 बजे हमारे मामा जी घूमने लगते थे कि बच्चे कहाँ हैं। मैं एकदम चश्मदीद, मैंने अनुभव कि अभी उठा ले जाएगा कोई तो साला 2 लाख रुपया कहाँ से हम पाएंगे, ये हाल था। शाम को 5 बजे साइकिल लेके नहीं निकल सकते थे। वो पीड़ा हम लोग देखे हैं, हम लोगों को महसूस होता है कि बिहार का क्या दशा था। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार आए, हम इस रेता के हैं तो वहाँ बांसदेव यादव फला लालू यादव उसमें अपराधी का नाम है, ये लालू यादव को मत लेंगे, है ना, भागड़ यादव फला यादव, मैंने पूरे प्रदेश को एक आतंक का तांडव बना दिया था, जंगल राज समझ लीजिए। और वही बड़ा छोटा करके और ले भी लेना और लूट, सड़कें टूटी हुई, कोई कुछ नहीं, ना बिजली, ना कोई विकास, ना हॉस्पिटल, ना कुछ नहीं था। मैंने आज तो घर घर पानी की टोटी मिल गई है, उतना टोटी केजरीवाल जी ने बिछवाए हैं कोई। अरे भाई क्या, चलिए ना, 24x7 लगभग 50% बिजली, मैंने बिहार में 24x7 है 24 घंटा। आपको नारायणी का दियरा है, सबसे खतरनाक इलाका है, मैंने अपराधी के मामले में सबसे ज़्यादा अपराध वहाँ हुआ था, वहाँ आज 24 घंटा बिजली है। आप तो बिजली की इतने बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि सबसे कम जो खपत है बिजली की वो सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, 200 मेगावाट बस बिहार बिजली खपत करता है। एक बात बताइए, डेवलपमेंट जो समझता है ना, जब बिहार को कौन दिया लाइट, ये पहले लगाते थे वो 100 वाट का लालटेन लगता था, और 100 वाट का बल्ब को मोदी जी घटा के क्या किए, एलईडी बल्ब में बदल दिए, तो जो खपत था वो घट के कम हो गया।
हम बचाना जानते हैं, बिहारी जगह जगह सफल क्यों हो जाता है, हम वहाँ बिजली भी बचा रहे हैं और सोलर लाइट इतना ज़्यादा बिहार में, मैंने सोलर पैनल लगा के ऊर्जा के स्रोत को इतना बढ़िया नीतीश कुमार किए हैं कि अब धीरे धीरे वही मिडिल क्लास आज के डेट में धीरे धीरे बिहार के तरफ पलायन कर रहा है, मैंने बैठ जाता है और वहाँ से जाता है और देखता है चार बार कहें जीते चौथी बार होने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्वालिटी दिया वो आदमी, सबसे बड़ी शांति, वह दिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह दिन याद आता था, इसलिए उनको सुशासन बाबू बोला जाता है। हाँ सुशासन बाबू, भाई साहब हमारे ससुर थे मोटरसाइकिल से 5 बजे उनको उठा लिया गया था, 2.5 लाख रुपये हम लोग दिए थे और मैंने जेवर बेच के औरतों का, अचानक पैसा कहाँ से आएगा, वही उपाय था, गए जेवर बेच के और ला के और लेवी में दिए, हम लोग बहुत सताए हुए लोग हैं और जो उस तड़प को बिहार की जनता जानती है तो कन्हैया कुमार क्या, दुनिया का कोई आ जाएगा, सुशासन बाबू और बीजेपी वहाँ से हटने नहीं जा रही, वो लगातार आएगी विकास के असली मॉडल को, जीरो से शुरू किया वो आदमी, यहाँ तो बनी बनाई मिल गई ना दिल्ली में, डेवलपमेंट क्या होता है देखना है तो जाके बिहार में डेवलपमेंट क्या, ये देखिए कि जहाँ बिल्कुल न सड़क न कुछ नहीं था और चारों तरफ गोली गोली था, अरे भाई मैं जिस दियरा की बात कर रहा हूँ वहाँ अपराध इतना था कि घर गांव में प्राइवेट बंदूक बनाई जाती थी, ये क्या बोलते हैं लोहार होते हैं वो पाइप लेके आते थे और बना के और 10 लड़के गांव के बाहर बैठ जाते थे गांव की सुरक्षा के लिए, रात रात भर हमारे चाचा हमारे परिवार के लोग रात रात भर जग के गांव की सुरक्षा किए अपने हाथ से बंदूक, आखिर वो बंदूक हम लोग फेंक दिए बाद में जब नीतीश कुमार आ गए और जब बन गया, लेकिन और समिति बनी इन अपराधियों के खिलाफ, पूरे प्रदेश में समिति खड़ी हो गई, मैंने पब्लिक अपनी सुरक्षा करने लगी, ये माहौल हो गया था। बेरोजगारी या रथ यात्रा के नाम पे एक यात्रा शुरू की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा, उनके अभी 3 दिन पहले अभी एक राजनीति शुरू हो गई कि उनका जो बस है वो 2 करोड़ का है और जो बस जिसके नाम पे खरीदा गया है वो खुद बीपीएल धारक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बस आपका है और आप बीपीएल धारक हैं और आपके पास करोड़ रुपए का बस है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है आरजेडी का। वो किसके बच्चे हैं, लालू यादव के, लालू यादव का ही तो ब्लड उनके में है, तो जिसका बाप खुद भ्रष्टाचार के जेल में है, जो स्कूटर पे भैंस ला सकता है तो कल या साइकिल पे ला देंगे, इनके बाप स्कूटर पे ला दे तो उनसे आगे एक कदम चलेंगे, तभी तो कहा जाता है ना बाढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजा अपनी कर में अमरिया कहा होती है, मैंने देहात में कहा जला कि बाढ़े पूत पिता की घर में खेती उपजे कर में अपनी कर में, तब बाप अरे ना ही बाप बने घोल, मत समझ रहे हैं ना, जैसा बाप वैसा पुत्र है ना, ये कहावत है, तो वो स्कूटर पर लाते थे आज ही अब साइकिल पर ला रहे हैं, भ्रष्टाचार तो करेंगे। एक बात बताइए, इस दिल्ली में कितना लालू यादव के लड़कों के नाम से कितने फार्म हाउस हैं, उस पर मुकदमा चल रहा है, आज के डेट में जांच चल रहा है, मीरा यादव के ऊपर चल रहा है, 7 मॉल है पटना में लालू यादव के लड़के के नाम से, कहाँ से कमा दिए भैया, कौन सा फैक्ट्री खोले हो, हमको भी बताते, हम भी कुछ कमा लेते, वो तरीका हमको भी तो बताओ, बड़ा सवाल उठाते हो, मोदी जी पे उठाते हो, शाह जी पे उठाते हो, दूसरे पे उठाते हो, तुम बच्चे थे तुम्हारे नाम से कई करोड़ हजारों करोड़ रुपये कहाँ से, वो फार्मूला बताओ ना, हम भी तो सोचे, हम भी तो बिहारी हैं, हमको भी तो मिलना चाहिए मौका, अगर इतना ही बढ़िया हो तो बताओ, हम भी वो कन्हैया कुमार से भी पूछना चाहेंगे, भैया कौन सा तरीका है कि तुम फॉर्चूनर से घूम रहे हो, डेली करोड़ों में तुम्हारा मीटिंग हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वही फार्मूला हमको भी बताते आप लोग बिहार में आके, तो हम लोगों को कम से कम दिल्ली और बाहर तो नहीं जाना पड़ता, यह फार्मूला क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग, ये तो ये जानना सबसे ज़रूरी है, हर बिहारी को पूछना चाहिए, भैया कन्हैया कुमार ये जो आप 35 लाख 40 लाख 5-5 गाड़ी 10-10 गाड़ी मार है ना, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आपकी माँ तो आंगनबाड़ी की मेंबर है भाई, भैया पैसा कहाँ से आ रहा है, आपको बताना चाहिए इसका कि कौन सा फार्मूला है, कहाँ से ये धन आ गया, कहाँ से ला रहे हैं, बताइए ना, लालू के लड़के लोगों को बताना चाहिए, जिनके नाम से इतने मॉल इतने फार्म हाउस इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इतना धन वैभव, बाप रे बाप, दुनिया का सबसे महान, हाँ महान संपत्ति है हमारा, नीतीश कुमार के लड़के को बता सकते हैं नाम आप, नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है, आप जानते होंगे व्यक्तिगत नाम जानते होंगे, लेकिन उनके नाम से कितना फार्म हाउस कितनी संपत्ति कहीं देखे हैं, लीक आउट किए हैं,
नीतीश कुमार आए तो सबसे पहले जो कर्मचारी थे उनके रिश्तेदारों तक का खंगाला गया कि आप जितनी संपत्ति लिए हैं परिवार का दीजिए, आपका कोई परिचित भी है उसका भी नाम बताइए। वो आदमी सबसे पहले इसी पे अटैक किया, एक तो वो आतंक खत्म किए है ना, जो जंगल राज था जंगल राज खत्म किए, और दूसरा वहाँ का कर्मचारी बहुत तड़पा, वहाँ भी लूट घुस खाने का बहुत है, अभी भी थोड़ा बहुत है, उस पर चोट कर रहे हैं। बहुत रोती थी महिलाएं भाई साहब शराबबंदी को लेकर, जो माहौल था ना बिहार का क्या बताऊं, जब महिलाएं पिटती थी ना बिहार में, उस आदमी को महसूस हुआ कि इसको ख़त्म करूंगा मैं। आप महिलाएं की महिलाओं को की बात कर रहे हैं, मैं भी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं बिहार के अंदर, और खुद लालू यादव जैसे लालू यादव की पार्टी का ये कहना है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम लोग महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित करेंगे बिहार में, लेकिन उनके खुद के घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वो क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? उनके खुद के जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनकी बीवी हैं ऐश्वर्या राय, उनको खुद प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाला गया राबड़ी देवी के द्वारा, आप इस पे क्या कहेंगे? वो पार्टी जो खुद ही अपने घर में जिनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो क्या वो कर सकते हैं बिहार की महिलाओं की सुरक्षा? एक बात बताइए, जो अपने घर नहीं बहू की सुरक्षा नहीं दे सकता वो दूसरे की सुरक्षा के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जी कैसे सोच सकता है? अगर सोचे होते तो लालू यादव उसी समय बहुत क्या क्या हुआ था है ना, तीन तीन डॉक्टरों के साथ पटना में महिला डॉक्टरों के साथ, वह हम शब्दों में नहीं कह सकते, कहते हुए चूंकि बिहार के होने के नाते शर्म आती है, वो बात नहीं कह सकते लालू राज में, समझ रहे हैं? तो महिलाओं का क्या, राबड़ी अब बन गई है वो, उस समय लालू यादव यह कहते थे कि मैं अपनी मैंने उससे मुख्यमंत्री से पैर दबवाता हूँ, शर्म लगता है, एक संवैधानिक पद है, एक जेल में बैठा हुआ अपराधी बड़े शान से टीवी पे आके और मीडिया के सामने कह रहा है मैं वो आदमी हूँ है ना कि बिहार के मुख्यमंत्री से पैर दबवाता हूँ, क्या बात, क्या बताना चाहते हो बिहार को भाई, क्या सिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो कि बिहारी इसी तरह से होता है, बिहारी की सोच ऐसी है? अरे हमको चांद पे भेजो, वहाँ भी हम जो है काम करके और अपने आप को साबित करके दिखा देंगे, ये क्वालिटी है हमारी, और तुम मौका रहे हो कि हम बिहार के मुख्यमंत्री से वो संवैधानिक पद जिसको इतना ने जनता ने वो वोट दे के जिताया है, उस वोट को तुम गाली दे रहे हो, यानी कि वो सारे मतदाता तुम्हारा पैर दबा रहे हैं। अगर विधायक चुन के भेजा गया है, एक विधानसभा है हमने जो जनता ने चुना, उन विधायकों का मुख्यमंत्री बना, उसको तुम कह रहे हो पैर दबा रहे हैं, इसका मतलब तुम पूरे बिहार के उन वोटरों से कह रहे हो कि सब मेरा पैर दबा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। तो लालू जब इस तरह से सोच सकते हैं, जिसका बाप ऐसा वैसा बेटा वैसा, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।